दोस्तों, हाल ही में सैफ अली खान की कॉन्ट्रोवर्शियल सीरीज आई है तांडव, जिसमें एक कैरेक्टर शिवजी का कॉस्ट्यूम पहनकर गालियां दे रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केस किया है और उसको बैन करने की मांग की। मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में बजरंगी भाईजान नाम की सलमान खान की मूवी आई थी, जिसमें भारत को पुराने ख्यालों वाला और भेदभाव करने वाला देश दिखाया गया है। और वहीं उस मूवी में पाकिस्तान को ओपन माइंडेड और भेदभाव ना करने वाला देश और जिंदा दिल दिखाया गया है। उस मूवी के बाद आईआईएम अहमदाबाद में एक टीम ने बॉलीवुड में पिछले 70 साल की मूवीज पे रिसर्च की, जिसमें कुछ बातें सामने आई है। 74% फिल्म में पंजाबी कैरेक्टर का मजाक उड़ाया गया, 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण सरनेम दिया गया, जैसे शर्मा, शुक्ला और मिश्रा आदि, 62% बेईमान बिजनेसमैन को वैसे सरनेम दिया गया। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सब धर्म और जातियों को समान रूप से बुरा दिखाया गया होगा। 84% मुस्लिम को धार्मिक और ईमानदार दिखाया गया है, और अगर उसको बुरा दिखाया भी गया है तो उसको दिल का सबसे अच्छा और रॉबिनहुड जैसा दिखाया गया। फिर उसी टीम ने 20 ऐसी बॉलीवुड मूवी पर रिसर्च की जिसमें पाकिस्तान के सीन दिखाए गए हों, जैसे बजरंगी भाईजान। 20 में से 18 मूवी में पाकिस्तान को ओपन माइंडेड, मिलनसार, फ्रेंडली दिखाया गया, लेकिन उन्हीं मूवीज में इंडिया को नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव एंड अनफ्रेंडली दिखाया गया। बॉलीवुड मूवीज में अगर आप ध्यान दें तो गुंडे, मवाली या बूढ़े लोग हमेशा तिलक लगाए दिखाए जाते हैं, और वहीं पर टेररिस्ट, खूनी और बेईमानों को हीरो बना के दिखाया जाता है। फिर उसी टीम ने स्कूल के बच्चों पर रिसर्च किया तो रिजल्ट में आया कि 94% बच्चे मूवी में दिखाई हुई स्टीरियोटाइपिकल बातों को ही सच मानते हैं, और बॉलीवुड में यह दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है, और एक नया शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदू टेरर, जिसके नाम पे अनुराग कश्यप ने सेक्रेट गेम्स में हिंदुइज्म की धज्जियां उड़ाई है। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा ने क्वांटिको में मेन टेररिस्ट को हिंदू दिखाया। प्रियंका ने इस शो को प्रोड्यूस किया है तो इसको बदल भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मैं इन निर्माताओं से पूछना चाहता हूं कि आज तक एक भी टेररिस्ट अटैक किसी हिंदू ने किया है? दोस्तों, बॉलीवुड में काफी लोग जैसे अनुराग कश्यप, आमिर खान, स्वरा भास्कर, प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण हमेशा हिंदू फोबिक चीज दिखाते हैं, लेकिन आज तक ये किसी असली टेररिस्ट अटैक पर नहीं बोले हैं, जैसे पेरिस अटैक, न्यूजीलैंड या 9/11 अटैक। हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जिसका मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमेशा से मदद करता रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इंडिया ने आज तक किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया, बस डिफेंड किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना। जब अफगानिस्तान पर हमले हुए तो एक हिंदू देश इंडिया ने उनको उनका पार्लियामेंट बनवा कर दिया। इंडिया एक हिंदू देश है और अफगानिस्तान में 99% मुस्लिम्स हैं, मगर फिर भी इंडिया उनकी हेल्प करी, तो इंडिया को कैसे ये लोग इस्लामोफोबिक कह सकते हैं? दोस्तों, ये हमेशा हिंदूज को टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म शांतिप्रिय धर्म है और ये सड़कों पर नहीं आते। वरना आप ही सोचिए, इतना किसी और रिलीजन के लिए होता तो क्या सब इतना आसानी से सुनते? इस वीडियो के पीछे मेरा किसी धर्म या किसी वर्ग विशेष को नीचा दिखलाना मकसद नहीं है। मेरी बस गुजारिश है कि एक ही धर्म को लगातार टारगेट ना किया जाए, केवल इसलिए कि हिंदू शांत है और कुछ कहता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अपने हिंदू दोस्तों से जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या मानना है इस बारे में, और कृपया प्रेम पूर्वक बातें करें, कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें। जय श्री कृष्ण।